झारखंड के लिए 3 जुलाई 2024 का यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आज तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उसमें से चंपई सोरेन सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलवाया गया था और मात्र 152 दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा भी दिलवा दिया गया। इससे पहले सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सिबू सोरेन के नाम था। वह 2009 से 10 में कुल 153 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसी के साथ एक और दूसरा रिकॉर्ड भी सिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के नाम पर ही बनने वाली है कि जब कोई नेता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा। हेमंत सोरेन इससे पहले 2013 और 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इससे पहले अर्जुन मुंडा और सिबू सोरेन दो दो बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड के ऐसे नेता होंगे जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसी के साथ जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रही है कि आखिर चंपई सोरेन को यह कार्यकाल पूरा क्यों नहीं होने दिया गया। जेल से आते ही हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से सीएम की कुर्सी क्यों ले ली, क्योंकि हेमंत के जेल से निकलने के बाद यह चर्चा थी कि चंपई चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और हेमंत पार्टी का कामकाज देखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनकर हेमंत ने इन सारे चर्चाओं के बाजार को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाकर हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बन गए और चंपई को सीएम पद से हटाना और हेमंत का मुख्यमंत्री बनना जेएमएम के लिए कितना नुकसानदायक होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए जब हमने बिखरी हुई सियासत को टटोलना शुरू किया तो कुछ बातें छनकर सामने आई, जिसमें से जो सबसे पहले बात सामने आया, जेल से निकलने के 5 दिन बाद ही हेमंत सोरेन ने झारखंड की सत्ता की कमान संभाल ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और जेएमएम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विधानसभा का चुनाव सर पर था और हेमंत के जेल से निकलने के बाद से सत्ता का 2 गुट बन रहा था जो चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता था। और साथ ही हेमंत सोरेन जिस वक्त जेल में थे उस वक्त भी चंपई सोरेन पार्टी को नहीं संभाल पाए, जिसका परिणाम रहा कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में चली गई। दूसरा चमरा लिंडा और लोबिन हेमरम बगावती होकर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और साथ ही चंपई सोरेन राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चला पा रहे थे। उसके बाद जो दूसरा कारण निकल करके जो सामने आया वह था कि विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही लड़ा जाना है। तो गठबंधन की सोच थी कि क्यों ना मुख्यमंत्री आप ही बन जाए, ताकि जितने भी किए हुए वादे हैं आप ही के चेहरा रहते हुए पूरा किया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन के चेहरे के नाम पर वोट मांगने में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद जो तीसरा कारण निकल करके सामने आया उसमें महागठबंधन के दलों का मानना था कि हेमंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से गठबंधन को सहानुभूति वोट मिलेगी, ताकि जितने भी आदिवासी वोट है वह अपनी ओर आ जाए, ताकि जितने भी आदिवासी वोट है उसे अपनी ओर किया जा सके, क्योंकि इससे भाजपा को संदेश देना था कि जिस आदिवासी नेता को आपने जेल में डाला आज लो वही मुख्यमंत्री बन करके आपके सामने खड़ा है। यह संदेश सीधे तौर पर आदिवासियों तक हेमंत सोरेन को पहुंचाना है और उसी के साथ जेएमएम के सहयोगी इंडिया गठबंधन को लगता है कि राज्य में हेमंत के भरोसे ही विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया जा सकता है। इसके बाद जो चौथा कारण रहा मीडिया सपोर्ट। अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हैं तो उन्हें मीडिया का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, जिससे भाजपा की नेगेटिविटी लोगों तक आसानी से पहुंचेगी और वह लोगों को बताएंगे कि 5 महीनों तक हमें भाजपा ने किस प्रकार जेल में रखा और किस प्रकार भाजपा आदिवासियों पर जुल्म करती है। और इसके साथ ही फैन फॉलोइंग की भी बात सामने आई। चंपई सोरेन भले ही सीएम हो लेकिन आज भी हेमंत सोरेन राज्य में एक लोकप्रिय चेहरा है। सोशल मीडिया पर भी दोनों की फैन फॉलोइंग में भी काफी अंतर है। ट्विटर पर चंपई सोरेन के 1,60,000 के करीब फॉलोवर है, जबकि हेमंत सोरेन के फॉलोवरों की संख्या ट्विटर में 11 लाख के करीब है। फेसबुक पर चंपई के फॉलोवर्स की संख्या 31,000 है, जबकि हेमंत सोरेन के 8,14,000 फॉलोवर्स हैं। इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन को एक लोकप्रिय चेहरा के रूप में चुना गया।
इसके बाद जो पांचवा कारण रहा वह जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। हेमंत सोरेन अभी तक रिहा नहीं हुए हैं, वह सिर्फ जमानत पर बाहर है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं और जब उन्हें दोबारा जेल जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो हेमंत भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलेंगे। गिरफ्तार होने के बाद भी सीएम का पद नहीं छोड़ेंगे और जेल से ही रहकर सरकार चलाएंगे और गिरफ्तारी के बाद लोगों में यह संदेश जाएगा कि भाजपा सच में एक आदिवासी नेता को नहीं देखना चाहती है, इसलिए हेमंत सोरेन को फिर से किसी झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल रही है और इस सहानुभूति के नाम पर इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा। इसके बाद एक खबर और निकल करके सामने आती है, जिस वक्त विधायक दल की बैठक हो रही थी उस वक्त कई विधायक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, पर चंपाई सोरेन का कहना था अगर नेतृत्व तो बदलना ही है तो हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद एक और जो अंतिम कारण रहा वह था सीएम चंपाई सोरेन के भाषण को लोगों का ना सुनना। इस बात को नोटिस किया गया पूरे लोकसभा चुनाव में, चंपाई सोरेन ने जहां जहां सभाएं की लोग उनके भाषण को नहीं सुन पा रहे थे। इससे इंडिया गठबंधन को लगा कि चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री होने से विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि चंपाई सोरेन एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने नहीं आ पाए और लोगों को अपने से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यह सब तमाम बातें हो गई कि चंपाई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इसके बाद बात आती है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से जेएमएम को क्या नुकसान हो सकता है और भाजपा इसका लाभ कैसे उठाएगी, तो चलिए उस पे भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला शब्द, उन्हें रुलाया गया कुछ तो होगा, यह शब्द भाजपा के। झारखंड में 5 महीनों के बाद एक बार फिर सरकार का नेतृत्व बदला और चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं और उसी के साथ भाजपा को एक बैठे बैठाया मुद्दा मिल गया है। भाजपा का दावा है कि चंपाई सोरेन को सीएम के पद से जबरदस्ती हटाया गया है, भाजपा चंपाई को तोड़ने में लग गई है। भाजपा को उम्मीद है कि इस घटनाक्रम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा टूटेगी। चर्चा है कि चंपाई सोरेन बैठक के दौरान भावुक हो गए, ऐसे में उनकी नाराजगी की अटकलें लगाई जा रही है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारी नेता को रुलाया गया, चंपाई सोरेन का युग अब समाप्त हो गया। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि परिवारवादी पार्टी में परिवार के बाहर के लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी भी तंज कसने में पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा छामुमो ने कोल्हान के टाइगर को चूहा बना दिया, परिवार से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री चुनने की बात करने वाले जेएमएम का असली चेहरा उजागर हो गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा 2 महीने की ही बात थी हेमंत जी, उसके बाद चुनाव जीत करके फिर से आप मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन आपने इतने वृद्ध आंदोलनकारी नेता को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, यह जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह तो हो गई विपक्ष की बात। अब थोड़ा समझते हैं कि इससे जेएमएम को विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। भाजपा सीधे तौर से भुनाने की कोशिश करेगी कि जेएमएम परिवारवादी पार्टी है, परिवार के बाहर के लोगों के साथ साथ जनता के लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं है, इन्हीं के वजह से सीता सोरेन अपने परिवार को छोड़ करके भाजपा में चली गई और वह आज सिद्ध भी हो गया। और उसी के साथ ही युवाओं में भी संदेश जाएगा कि चंपाई सोरेन अभी काम करना शुरू ही किए थे कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, क्योंकि चंपाई सोरेन अभी हाल के समय में ही युवाओं के लिए 40,000 नौकरियां, 200 यूनिट बिजली फ्री, 21 से लेकर 49 साल के उम्र की महिलाओं के लिए सहायता राशि के रूप में 1,000 देने की घोषणा किए थे, साथ और भी तमाम बड़ी योजनाएं लाएं जो युवाओं को इन पर भरोसा जगा रही थी, कि ऐसे में अचानक उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, यह संदेश पूरे युवाओं में जाएगा, जिसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त युवा उनसे काफी नाराज थे, परीक्षाएं नहीं हो रही थी, पेपर लीक हो जा रहे थे, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब चंपाई सोरेन आए तो युवाओं की उम्मीद जगी, लेकिन उम्मीद जगते ही उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। तो एक और से देखें तो जेएमएम सीधे तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी, अब आने वाले समय में ही देखना होगा कि क्या जनता में इसका प्रभाव पड़ता है या फिर इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हेमंत सोरेन कुछ नया प्लान
करते हैं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ही दिखेगा। आपको क्या लगता है यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।